यस, मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हम लोग सिंपल साधा करने वाले हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लोग जब वजन घटाने के प्रोसेस में लग जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे आता है पता है? कार्बोहाइड्रेट्स, खाने में से कितना कार्बोहाइड्रेट जा रहा है। ठीक है, सो आज थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। और टॉपिक पे जाने के पहले मैं मेरा स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम पूजा मानिक पवार है। इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी। 19 साल की एज में बहुत सारा वजन हो गया था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो गए थे, और पता नहीं था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि फैमिली ने बहुत बार कोशिश की अच्छी आदतों को लगाने के लिए, लेकिन बोलते हैं जिसका खान पान गलत होता है उसकी सोच समझने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और कई बार हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं बार बार। पता है जो चीजें काम नहीं करेगी उसी के ऊपर मेहनत करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा वर्कआउट करना, खाने को एकदम से कम करना, और फलाना फलाना चीजें, राइट? जो कोई भी नई चीज बोल रहा है हम लोग फॉलो करें, ऑल्दो हमें मन में पता है वो चीजें काम नहीं करेगी। तो ऐसी कई साल मेरी जर्नी रही। उसके बाद 2015 में विद द कोच गाइडेंस एंड दिस कम्युनिटी सपोर्ट मैंने अमेजिंग मेरा वेट कम किया। बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, लेकिन करेक्ट न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत ऑलमोस्ट नहीं सारे मेडिकेशन कम बंद हो गए। ओके, 3-4 महीने के प्रोसेस में बहुत अच्छा लगता है। एंड लीविंग हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, और ये लाइफस्टाइल मैं अकेले नहीं जी रहा हूँ, मेरी फैमिली को, एंटायर फैमिली की ब्रेकफास्ट हैबिट हमने चेंज की है, और वो उन्होंने खुद से की है। हम बने रहे इस प्रोसेस में, एक दिन उनको भी रियलाइज हुआ कि यस, ये न्यूट्रिशन बहुत अमेजिंग है, और उन्होंने उनका ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी 8 साल की जर्नी है। मानिक सर और मैं अमेजिंग वे इस जर्नी को लीड कर रहे हैं। इस जर्नी में हमने भी बहुत सारे बार बोलते हैं ना कि पता नहीं होता वजन, जैसे मैंने बोला, वजन कम करने के लिए सबसे पहले ध्यान जो जाता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के खाने पे। तो कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी वजन कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स, वो गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा पे दिखता है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे होता है, आपने वजन घटाने के प्रोसेस में अच्छा न्यूट्रिशन शुरू किया है, आपने रात का खाना जल्दी कर दिया है, खाने को बदल दिया है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा मुझे वीकनेस हो रहा है, मुझे अच्छे से काम नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। होता है कभी कभी, अगर आप विदाउट कोच के गाइडेंस अपने ही दिमाग से वेट लॉस को कर रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो, खाना बहुत सारा कट डाउन किया है, ये क्यों होता है? मेजर, हम किसी भी डाइट को या फिर वेट लॉस के जर्नी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्किप कर देते हैं रोटी, भाकरी, राइस, तली हुई चीजें, राइट? जिनको खाने की कई साल से हमें आदत होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न हमने बना के रखा है शरीर को, बहुत एक स्ट्रिक्स, बहुत ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजों को हम कई सालों से देते आए हैं, और सडनली एक पहली शुरुआत के हफ्ते में हम सारी चीजों को एकदम से बंद कर देते हैं, और नेचुरली उन चीजों को शरीर को उन चीजों की आदत होती है, इसकी वजह से ये सारे उसके रिस्पॉन्स है, बॉडी के रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए, वजन तो घटाना है, कार्बोहाइड्रेट्स तो अचानक से बंद नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंस समझ के लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको किसी भी डाइट पे आप जब जाते हो तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि 200 से भी ज्यादा फलाना फलाना डाइट्स है, और सारे डाइट्स कार्बोहाइड्रेट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जहां पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है कुछ में बिल्कुल भी नहीं लेने होते हैं। लेकिन हम सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं, वजन घटाने के और बढ़ाने के जर्नी में कार्बोहाइड्रेट को तो हमें मेंटेन करना ही है, सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, सही कार्बोहाइड्रेट का चुनाव, राइट? क्यों? कार्बोहाइड्रेट ये खाने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपके ब्रेन को एनर्जाइज रखता है, ब्रेन की एनर्जी है, ब्रेन का फ्यूल है। और सोचिए, जो दिमाग को काम करने वाला खाना है उसको ही हम लोग सडनली बंद कर देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे चिड़चिड़ापन वगैरह जो मैंने बोले। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, सही कार्बोहाइड्रेट का चुनाव। एक चीज क्या कर सकते हैं, अभी तक के लाइफ में जो भर भर के कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा रहे हैं ना रोटी चावल के जरिए से, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 10-20%। उससे क्या, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा और बचत भी होगी, बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कैलोरीज देने का जो हम लोग
इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकेंड चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट जिस भी खाने के जरिए से थाली में आ रहे हैं उसको अच्छे फैट और अच्छे फाइबर के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। उससे दो चीजें होगी, हमारे शरीर को पोषण अच्छी तरीके से मिलेगा और ऑटोमेटिकली खाने में से कार्बोहाइड्रेट कट डाउन हो जाएगा, ये दो चीजें करने की वजह से। अभी कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है पर ग्राम, एवरेज 5 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो आपको आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका बॉडी का फूड इनटेक कैपेसिटी पता होता है, उस कैपेसिटी के अप टू 30% अगर आप वेट लॉस के जर्नी में हो तो 30% तक कार्बोहाइड्रेट आपको आपके दोपहर के खाने में स्पेसिफिकली लेने हैं, क्योंकि वही हमारे दिन का मेजर मील होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम उसको मैंने जैसे बोला फैट्स एंड फाइबर के साथ मिला के लेंगे ताकि वो शरीर में अचानक से जाके उसका काम शुरू करने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम देगा और आप लंबे समय तक सस्टेन करोगे। अभी कार्बोहाइड्रेट का सही चुना, दो टाइप होते हैं, मैंने कैलोरीज बता दी, खाने में से कार्बोहाइड्रेट कम करना है वो भी बता दिया, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कार्बोहाइड्रेट को अच्छे न्यूट्रिएंट के साथ हमें कंबाइन करना है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सही चुना सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी मेजॉरिटी जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो टेस्ट में बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि उसमें शुगर सॉल्ट का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है। जो भी खाना आपके टेस्ट को आपकी टेम्पटेशन को सेटिस्फाई करता है हमें ध्यान रखना है उसको 10-20% हमें कम करना है। यह पहला स्टेप हो गया स्टार्टिंग के जर्नी में, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और आपका खाने का बैलेंस आप मेंटेन कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हमें दूर ही रहना, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स जो पैकिंग में आते हैं और उसमें वो हफ्ता भर हमारे घर में पड़े पड़े भी रहेंगे लेकिन खराब नहीं होंगे, जो ब्रांडिंग आता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जो प्रिंटेड प्रोडक्ट्स आते हैं वो चीजें, देन हाई शुगर टेस्ट में जो ज्यादा है, सॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में भी नहीं आ रही है, शेजवान चटनी हम लोग यूज करें, बहुत सारे सीजनिंग्स यूज करें जिसमें सॉल्ट एंड बाकी सारी चीजों का प्रमाण ज्यादा होता है और हमारे ना जान मतलब हमें हमारे दिमाग में भी नहीं है लेकिन वो हम लोग खाना खा रहे, खाने में वो चीजें आ रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक्सेस क्रेविंग जो होता है, बार बार खाने का जो मन होता है वो अपने आप कम हो जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज, गेट स्टार्टेड विथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मात्रा में अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, राइट, वो ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स से पैक है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है उसमें, जितना मेरी बॉडी की एक टाइम की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। सो सही चुनाव कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स, होलसम, ऐसी चीजें हमें खानी है जिसके ऊपर ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग नहीं है। मार्केट में ओपनली मिलने वाली चीजें जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो फाइबर वाले अनाज होते हैं, दालें भी, अनपॉलिश दालें आप यूज करो, उसमें भी बहुत अच्छा खासा आपको स्विच मिलेगा कि फाइबर अच्छा रहेगा, पेट भरा हुआ रहेगा। अभी कार्बोहाइड्रेट का सही चुनाव का वेट लॉस से क्या संबंध है पता है, जैसे मैंने बोला अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सही चुनाव करते हैं, एक तो वो इतना ज्यादा कैलोरी वाला नहीं रहता है, लेकिन जब हमारे कार्बोहाइड्रेट में फाइबर होता है तो एक चीज होती है, हमारी बॉडी सेटिस्फाई होती है वो खाने के बाद। दूसरी चीज क्या होती है, हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, ऐसा नहीं कि भूख मरती है लेकिन बॉडी हमारी अच्छी तरीके से पेट भर जाता है तो भूख लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड, मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स को डेफिशिएट करना है, खाने आपके खाने के थाली को आपको देखना है आप कितना खाना खा रहे हो, वो आपको मेंटेन करना है 3-4-5 महीने लगातार कंसिस्टेंटली। उससे क्या होगा, अभी तक जो आप खाना खा रहे हो थाली भर के, माइंड को कमांड आ जाएगा कि मेरी इतनी ही रिक्वायरमेंट है और 1-2 महीने में आप सीख जाओगे कि इतना सा ही खाना खा के मैं लंबे समय तक सर्वाइव भी कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है और मेरा साइमल्टेनियसली वेट लॉस भी हो रहा है। तो उससे क्या होगा,
आपके बॉडी का एक पैटर्न डिसाइड हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट खाने का लिमिटेड क्वांटिटी में। वो कंट्रीब्यूट कहाँ पे करेगा? आपका वजन घटाने में, और जो घटाया हुआ वजन है उसको लंबे समय तक बरकरार रखने में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने स्विच सबसे बेस्ट थिंग क्या किया पता है? मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड नाइट का डिनर, जो बहुत ही बैलेंस है, जिसका कैलोरी मेजर्ड है, 250 कैलोरीज को क्रॉस नहीं करता है, तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। मेरा बैलेंस न्यूट्रिशन लेने के बाद मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। एक टाइम मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर होने के बाद मुझे 2 से 3 घंटा बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो उससे क्या हुआ, मेरा एक रिदम मेंटेन हुआ टू हैव कार्बोहाइड्रेट, और ये मेरा वेट लॉस के जर्नी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैकेज चीजों से बचना है एंड गेट स्टार्टेड ऑन योर पोषण आहार। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स को कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन करो। रॉ वेजिटेबल्स, सलाड्स, होल ग्रेन्स जो घर में अवेलेबल है, राइस का भी क्वांटिटी अगर आप फाइबर के साथ लेते हो तो कोई कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन सिर्फ हाँ, हमें मॉनिटर करना है कि हमारे थाली में क्या आ रहा है। सही कार्बोहाइड्रेट का चुनाव आपकी सेहत, आपकी और मेरी सेहत को बुढ़ापे तक अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। सो ये चीजों को हमें चेंज करना है। गेट स्टार्टेड विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, गेट स्टार्टेड विद होलसम फ्रूट एंड गेट स्टार्टेड विद हाइजीनिक फूड। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये क्विक 2-4 बातें थी जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज मैंने आपके साथ शेयर की। विद दिस नोट हम लोग आज के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। बैक टू यू मानिक सर।